मोर डांस करता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। हाँ इमली, लेकिन सामने वाली छत पे जो खड़ा है उसे शायद मोर सुंदर नहीं लग रहा। अंकल अंकल, देखो मेरा निशाना ठीक उस मोर पे ही लगेगा। हम भी तो देखें तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है। तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल बेकार है। बंटी, किसी भी बर्ड को मारना अच्छी बात नहीं है, और पीकॉक तो हमारी नेशनल बर्ड है। इसे मारा तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। अंकल आप तो बड़े हो, आप ही समझाओ ना बंटी को। बंटी चलो नीचे, हम इसे मारेंगे नहीं लेकिन पकड़ के अपने फार्म हाउस ले जाएंगे, वहाँ इसे पिंजरे में बंद कर देंगे। पीकॉक ट्रांसलेटर ऑन। पीकॉक ट्रांसलेटर ऑन। ये क्या है? अब मोर को हमारी और हमें मोर की बात समझ में आएगी। देखो वो डरा हुआ लग रहा है। हेलो दोस्त, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? मेरे पंख में चोट लग गई है इसलिए ठीक से उड़ नहीं पा रहा, इसी वजह से तुम्हारे छत पर उतरना पड़ा। मैं इमली हूँ, ये है वीर और ये हमारा दोस्त चिलबुल। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी चोट में दवा लगा के ठीक कर देंगे। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी अपने शिकारी अंकल के साथ हमारे मोर को पकड़ने आ रहा है, चलो मोर को लेकर अंदर जाते हैं। मोर को क्यों अंदर ले जाएं? ये हमारी छत है, जो आ रहे हैं उनको ही वापस भेज दो। ये क्या कर रहे हो? उनको चोट लग जाएगी। अंकल संभाल के। अंकल मैं भी देखता हूँ कि ये मोर कैसे बचता है। मेरा नाम शिकारी अंकल ऐसे ही नहीं पड़ा है। वीर कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला, लेकिन मुझे मालूम है वो बंटी के शिकारी अंकल के पास ही होगा, और उनका फार्म हाउस शिकारपुर में है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूँ। अंकल ये डांस तो कर नहीं रहा है। वो डांस करेगा, जरूर करेगा, उसे बरसात चाहिए और मैं बरसात दूंगा। उसे छोड़ दीजिए, ऐसे किसी पक्षी को बंद करके रखना ठीक नहीं। पापा वो बहुत दुखी है, डांस कैसे करेगा? आप उसे छोड़ दो फिर वो डांस करेगा। तुम माँ बेटी मेरा हर खेल बिगाड़ के रख देते हो, जाओ अपना काम करो, मैं बरसात करवाता हूँ, ये बरसात से खुश होकर डांस जरूर करेगा।
पानी बरस रहा है, देखो देखो कितना अच्छा मौसम है। मुझे उल्लू समझ रहा है, तुमको डांस देखने को तो नहीं मिलेगा, मैं ही देख लेता हूँ। मोर मोर तुम भाग जाओ, इससे पहले कि पापा तुम्हें देख ले। ये माँ और बच्ची बहुत भले हैं। अंकल अंकल, मोर भाग गया, मोर भाग गया, वो भाग गया अंकल। रामू, नट्ठू, माइकल, सिमोन सब इकट्ठे हो जाओ, वो मोर भाग गया है, उसे पकड़ना है। चलो जल्दी करो। बेचारा मोर बड़ी मुसीबत में है, उसे इन लोगों से बचाना होगा। तुम कौन हो? हम तुमसे कोई आदेश नहीं लेंगे। चलो दोस्तों, उस मोर को पकड़ना है। मैं बच गया। मैं नहीं बचा। मेरे शिकंजे से आज तक कोई नहीं बच पाया, तुम कैसे बचते? उसकी आवाज तो पूरे जंगल में एको कर रही है। अल्ट्रासाउंड सर्चिंग डिवाइस ऑन। अल्ट्रासाउंड सर्चिंग डिवाइस ऑन। अरे कोई है, इसे नीचे उतारो और पकड़ के ले आओ। अरे नाच क्यों रहा है? लगता है मुसीबत में मोर नाचता है। ये एक और नई बात पता चली। मेरे दोस्त को छोड़ दो। देख क्या रहे हो, इस लड़के को पकड़ लो और पकड़ के खड्डे में डाल दो। नहीं जानते मैं कौन हूँ। पहले जो ऊपर से आ रहा है उसके बारे में तो जान लो, वो बिना आवाज किए इंसान को खत्म कर देता है। बचा लो मुझे, वरना ये अजगर मुझे खा जाएगा। एक शर्त पे छोड़ूंगा, आज के बाद फिर कभी किसी जानवर या पक्षी को ना तो पकड़ोगे ना ही मारोगे। मैं वादा करता हूँ। बचाओ, वो नजदीक आ चुका है। वो देखो, अंकल इस मोर को पकड़ कर ले आए। ये क्या,
फिर पकड़ के ले आए इसे? नहीं, पकड़ के नहीं लाया, ये अब मेरा दोस्त है, मेरा मेहमान। वो रोबो बॉय है, उसने मुझे सबक सिखाया है, मैं आज से कोई शिकार नहीं करूंगा। थैंक यू रोबो बॉय। थैंक यू रोबो बॉय। मैंने आज तक अपनी पिंकी को इतना खुश कभी नहीं देखा। The Dark Magnus। टिम्बक्टु, तुम्हें क्या लगता है, मैं वीर को खत्म कर पाऊंगा कि नहीं? बॉस, सुपर डुपर जीनियस, आप वीर को एक ना एक दिन जरूर खत्म कर दोगे। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। लेकिन वो एक दिन आएगा कब बॉस? वीर को पकड़ने की चाह में तो आप बूढ़े हो गए बॉस, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अब उसे खत्म करने के चक्कर में खुद ही खत्म नहीं हो जाना बॉस। आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। तुमने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन आज के बाद नहीं कर पाओगे। ये है मेरा नया रोबोट डार्क मैग्नस। आज की रात फुर्सतगंज के लिए काली रात होगी, और मेरा डार्क मैग्नस रोबोट फुर्सतगंज में अंधकार फैला देगा, और उस अंधकार में वीर का विनाश होगा। विनाश, ये डार्क मैग्नस। बॉस कह रहे हैं तुम फुर्सतगंज में अंधकार फैला दोगे। जरा एक सैंपल तो दिखाओ। स्टॉप इट, स्टॉप इट। मेरे एक्सपेरिमेंट्स की सारी मशीन खराब हो जाएंगी। टिम्बक्टु, कभी तो अकले से काम लिया करो। आसमान में तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ इमली, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों बल्ब जल रहे हैं और रोशनी दे रहे हैं। वो कौन था जो ऊपर से हंसता हुआ उड़ के गया और अंधेरा फैला के चला गया? वीर, तुम्हारे यहाँ बिजली है? नहीं आंटी, अभी अभी अंधेरा हो गया है। तुम लोग यहीं रुको, मैं चेक करता हूँ। विंग सूट ऑन, विंग सूट ऑन। जो बिजली चली गई है ये रख लो। अरे वीर कहाँ है? वो चेक करने गया है कि बिजली क्यों गई है। पूरे फुर्सतगंज की बिजली गई है। दादाजी, दादाजी, एक काला साया उड़ता हुआ गया है, वो हंस रहा था और उसके जाते ही बिजली जैसे उसके बदन में सक हो गई। काला साया जो बिजली सक कर रहा है, जरूर मैड मैक्स की कारस्तानी है। वीर को होशियार रहना होगा। रोबो बॉय, ये अंधेरा कैसे हो गया? प्लीज जल्दी से लाइट का बंदोबस्त करो। हाँ, और जल्दी करना, मुझे मेरा फेवरेट कार्टून देखना है। ओए, रोबो बॉय से कैसे बात कर रहे हो? रोबो बॉय, प्लीज हेल्प अस। मैं कुछ करता हूँ, तब तक आप लोग कार्स की हेडलाइट चालू रखें, वरना पूरा अंधेरा हो जाएगा। वीर, तुम्हें लोगों की मदद के लिए आना ही होगा, और फिर दादाजी हर तरफ अंधेरा है, समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। ये मैड मैक्स की करतूत है, पहले शहर में रोशनी का बंदोबस्त करना होगा, वरना ऐसा ही अंधेरा रहा तो हर तरफ लूटपाट मच जाएगी। दादाजी, हमारे ऊपर से काला साया उड़ता हुआ गया और अंधेरा हो गया। चलिए आपके लैब में देखते हैं हमारे सीसीटीवी में उसकी इमेज कैद हुई है नहीं। हाँ चलो,
हमारे सीसीटीवी में उसकी इमेज जरूर होगी। वीर जिंटू को बुला दो, हम उससे कम से कम इस छत पे तो लाइट जलवा लें। हाँ, गुड आइडिया। क्या हुआ इमली, वीर कहाँ है? पूरे शहर में अंधेरा है, सब परेशान हो रहे हैं। हर घर के ऊपर एक बल्ब ऐसा जला दो जैसे लगे कि तारा चमक रहा है। मैं एक तारा चमका देता हूँ, बल्ब क्यों जलाना है? अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। पापा पापा, एक तारा हमारे छत के ऊपर भी है। चलो चलो तारे पे चढ़ते हैं। चट्टा अंकल, कहाँ जा रहे हो? ये ऊपर चला गया तो फंस जाओगे। मुझे स्टार पे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। बंटी की मम्मी चाय लेने गई है। ये मेरा अपना स्टार है, अपना स्टार। चिंटू, ये क्या कर दिया तुमने? वीर, वीर देखो चिंटू ने क्या कर दिया। यकीन नहीं हो रहा, इतने तारे नीचे आ गए। ओह, ये ऊपर वाले के कैसे कैसे चमत्कार हैं। मैं घर पे जाता हूँ, मेरी छत पे भी एक तारा होगा। ये कैसे हो सकता है? हर घर के ऊपर एक तारा है, वीर ये सब नहीं कर सकता। ये तो एक रोबोट के बस की बात नहीं है। दादाजी, ये वही है, ये जरूर मैड मैक्स का कोई रोबोट है जो बिजली को सक करके खत्म कर रहा है। वीर, वीर, चिंटू ने हर घर के ऊपर एक तारा चमका दिया है, जल्दी आओ, जल्दी। जिंटू, तुम कभी कोई काम ठीक से करोगे? ऐसा जादू नहीं कर सकते। सब पहले जैसा नॉर्मल करो जल्दी, और लोगों को सब कुछ भुला दो। तुम मेरे किसी काम से खुश नहीं होते। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अरे, अरे बाबा, अरे चलो। वीर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अभी तक क्यों नहीं आया? डार्क मैग्नस, उसका इंतजार करो। मैं इंतजार ही कर रहा हूँ बॉस। ये स्टार कहाँ जा रहा है? बंटी, बंटी के पापा, अरे कहाँ गए? कुछ देर पहले तो छत पर ही थे। ओह नो, वो स्टार पे बैठे हुए थे। जिंटू, उन्हें अभी लाओ वापस। अब मुझे उस रोबोट से लड़ने जाना है जो ये सब कर रहा है। वीर, मेरे साथ आओ, तुम्हें लाइटनिंग सूट देना होगा ताकि तुम अंधेरे में भी उससे लड़ सको और वो तुम्हारी लाइट सक ना कर सके। लाइटनिंग सूट ऑन। लाइटनिंग सूट ऑन। रोबो बॉय, खत्म कर दो उसे, छोड़ना मत। कम ऑन रोबो बॉय, जल्दी करो, मेरे फेवरेट कार्टून का टाइम निकल जाएगा। चुप करो, तुम्हें कार्टून की पड़ी है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। वीर, तुम फौरन वहाँ से निकलो, वो तुम्हारी बिजली सक कर रहा है। यहाँ से निकल के क्या फायदा? मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? तुम्हें टाइम की जरूरत है, उसकी कमजोरी पता करने की कोशिश करो। चूहे बिल्ली का गेम खेलो, शायद उसकी कमजोरी सामने आ जाए। ओके दादाजी। ओ, लगता है इसे पानी पसंद नहीं है।
दादाजी। हाँ वीर बोलो। दादाजी इसे पानी पसंद नहीं है, इसके बदन में शॉर्ट सर्किट होता है। इमली मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो वीर। तुम फुरसतगंज की बाजार वाली लेन में सबको कहो अपनी अपनी बालकनी में पानी की पाइप लेकर खड़े रहें। जैसे ही मैं वहाँ से निकलूं, सब उस रोबोट के ऊपर पानी की बौछार कर दें। ओके वीर। Bye-bye, little boy! Yeah! This is your end! Yeah! रोबो बॉय जल्दी करो, मेरे कार्टून का टाइम निकला जा रहा है। इसे बहुत कार्टून की पड़ी है, चलो इसे ही कार्टून बना देते हैं। वीर हम तैयार हैं। मैं आजाद नहीं हो पा रहा, मेरी सारी पावर्स वो सब कर रहा है। दादाजी लाइटनिंग सूट की लाइट्स ऑफ हो रही है, वो हमारी उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली है। वीर यू कैन डू इट, यू कैन डू इट वीर, यू कैन डू इट।